इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डिजाइनिंग टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। तो फैब्रिक हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कटा हुआ है गाइज, मैंने इसमें से प्लाजो बनाया था, तो प्लाजो का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो उसमें से हमारा जो ये फैब्रिक है उसमें से बचा हुआ है, और अगर आपके पास बिल्कुल एकदम क्लियर फैब्रिक है तो आप वो ले सकते हो। तो फैब्रिक को गाइज यहाँ पे मैंने फोर फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरह से कटा हुआ फैब्रिक है, अगर आपके पास बिना कटा हुआ फैब्रिक है तो आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे एक मीटर फैब्रिक से गाइज यहाँ पे ये टॉप बनने वाली है। तो यहाँ पे हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है, तो मैंने इसको फोर फोल्ड कर लिया है इस तरह से गाइज। फोर फोल्ड करने के बाद मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी, तो सबसे पहले मैं इसके शोल्डर को मार्क कर लूँगी। शोल्डर साइज लूँगी गाइज यहाँ पे मैं 6 इंच, और 6 इंच पर मैंने इसको मार्क कर दिया है। 6 इंच ही मैंने यहाँ पे आर्मोल साइज ले लिया है। चेस्ट लूँगी गाइज यहाँ पे मैं 8 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लूजिंग लूँगी 7 इंच, एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे मैं इसको नीचे से लूँगी यहाँ पे 9 इंच, इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेबी की टॉप बनाने वाली हूँ। अगर आप बड़े साइज़ की टॉप बनाने वाले हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट लें। अब आर्महोल को मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी फ्रेंड्स, और नीचे से ये जो कोना है हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इसकी लेंथ ली है मैंने यहाँ पर इस तरह से गाइज 15 इंच, और यहाँ से इसकी लेंथ ली है मैंने 20 इंच, इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ले ली है इधर से 15 इंच, और उधर से मैंने 20 इंच, और नीचे से ये इसी तरह से हम यहाँ पे कोना सा रखेंगे गाइज। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं इसके नेक को मार्क कर लूँगी, तो नेक की विथ लूँगी गाइज यहाँ पे मैं 3 इंच इस तरह से, और इसकी लेंथ भी यहाँ पे गाइज मैं 3 इंच ही लूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको चकोर बॉक्स बना दूँगी। अब इसके बाद मैं इसको राउंड शेप में इस तरह से मार्क कर दूँगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी टॉप है ये मार्क हो गई है। अब फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है मैं वैसे मैं इसको कटिंग कर दूंगी नीचे से। आपको इस तरह से वी शेप में इसको कटिंग करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर दिया है नीचे से, आपको वी शेप में ही इसको कट करना है। इसी तरह से आपको शेप में मार्क कर लेना है। तो मेरा जो फैब्रिक था वो ऑलरेडी इस तरह से कटा हुआ था। अब फ्रेंड्स स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, इसको भी मैंने फोर फोल्ड करके रख लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर इसकी लेंथ लूँगी गाइज यहाँ पर मैं 16 इंच इस तरह से, और इसकी जो नीचे से विड्थ है वो लूँगी यहाँ पे मैं 6 इंच, और 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। आर्महोल लूँगी गाइज यहाँ पे मैं 7 इंच इस तरह से, 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। एंड अब इस दोनों मार्क को मैं इस तरीके से मिला दूँगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आर्महोल को मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी हल्का सा राउंड शेप में। अब इसके बाद गाइज यहाँ पे स्लीव्स को मैं नीचे से अम्ब्रेला टाइप में बनाने वाली हूँ। इस तरह से मैंने इसको बाहर को मार्क कर लिया है जैसे कि मैंने आर्महोल को मार्क किया है फ्रेंड्स। तो नीचे से भी मैंने स्लीव्स को कुछ इसी तरीके से मार्क कर दिया है, एंड इसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारी जो स्लीव्स है ये कटिंग हो गई है। अब बीच में मैं इसको छोटा सा नोटिस लगा दूंगी इस तरीके से फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो हमारी टॉप है यहाँ पे ये कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैंने एक पार्ट ले लिया है इस तरह से, और ये मैंने फ्रिल कट कर ली है। अब फ्रिल को मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। डबल फोल्ड करते हुए मैं नेक को इस तरह से लगा दूँगी गाइज, और इसके बाद मैं इसको उल्टे की साइड पर इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा दूँगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो नेक को मैंने इस तरह से फ्रिल लगा दी है, और ये अच्छे से सेट हो गया है। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने ये लेस ले ली है, तो सिंपल सी मैंने लेस ली है। इसके नेक को मैं इस तरह से लगा दूंगी पूरे राउंड को, और स्टिचिंग के साथ सेट कर दूंगी। तो जी गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो नेक को मैंने लेस लगा दी है, स्टिच से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा बैक वाला नेक है ये भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है फ्रिल लगा करके फ्रेंड्स। अब दोनों को मैं एक साथ रखूँगी शोल्डर को इस तरह से, और स्टिचिंग लगा दूंगी यहाँ पर फ्रेंड्स। दोनों के शोल्डर को अच्छे से सेट करते हुए मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद मैंने स्लीव्स ले ली है। अब मैं स्लीव्स को रेडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स को इस तरह से बारीक बारीक सा फोल्ड कर लूँगी। पहले मैं इसको सिंगल फोल्ड करूँगी, इसके बाद गाइज मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे मैं इसको लैस लगाऊंगी।
तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं वही वाली लेस लगाऊंगी जो मैंने नेक को लगाई है। तो फोल्ड कर लूंगी मैं डबल फोल्ड करते हुए और इसके बाद मैं इसको लेस लगा दूंगी। दोनों स्लीव्स को मैं रेडी कर लेती हूँ। तो जी गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने शोल्डर को स्टिच लगा दी है और इसके बाद मैंने यहाँ पे स्लीव्स रेडी कर ली है गाइस। मैंने इसको फोल्ड कर दिया है इस तरह से और इसके बाद मैंने इसको लेस लगा ली है। अब जो मैंने बीच में ये छोटा सा नॉचेस लगाया था इसको मैं शोल्डर के जोड़ पर रखूंगी इस तरह से, और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसको स्टिचिंग लगा दूंगी। स्लीव्स को इस तरह से सेट कर दूंगी मैं अच्छे से। दोनों स्लीव्स को गाइस मैं सेम इसी तरह से लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने इसको भी लेस लगा ली है। अब मैं इसको भी यहाँ पे आर्म होल में अटैच करते हुए स्टिचिंग लगा देती हूँ। फ्रेंड्स दोनों स्लीव्स को मैं यहाँ पे रेडी कर लूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करूंगी इस तरह से, डबल फोल्ड कर लूंगी मैं इसको बारीक बारीक सा और स्टिचिंग लगा लूंगी नीचे से। गाइस मैं इसको इस तरह से अच्छे से कोना बनाऊंगी। वी शेप जो है हमारी अच्छी सी आनी चाहिए फ्रेंड्स, तो अच्छी सी फिनिशिंग के साथ मैं इसको फोल्ड कर लूंगी। सेम इसी तरह से इस वाले पार्ट को भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और इसके बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा इसको मैं लेस लगाऊंगी। तो बैक वाले पार्ट को मैं लेस नहीं लगाऊंगी, अगर आप चाहो तो बैक वाले पार्ट को भी लेस लगा सकते हो। तो मैं इसको इस तरह से लेस के साथ रेडी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मैंने इसको फोल्ड कर लिया है बैक वाले पार्ट को, और इसके बाद मैंने फ्रंट वाले पार्ट को भी फोल्ड करने के बाद और ये लेस लगा दी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब गाइस यहाँ पे मैं इसकी लूजिंग की स्टिचिंग लगा दूंगी। तो मैंने इसकी फिटिंग को पहले मार्क कर लिया है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं वैसे मैं इसको स्टिचिंग कर दूंगी इस तरह से। फिर दोनों साइड से मैं इसको स्टिच लगा देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसकी दोनों साइड को स्टिचिंग लगा दी है इसकी लूजिंग को, और यहाँ पे जो हमारी टॉप है ये स्टिचिंग होकर रेडी हो गई है। और आप देख सकते हो बिल्कुल वेरी सिंपल, बिल्कुल इजीली आप इस टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो। तो 1 मीटर फैब्रिक से गाइज यहाँ पे हमारी जो ये टॉप है ये कटिंग एंड स्टिचिंग होकर रेडी हुई है। तो स्लीव जो है गाइज यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पार्ट की लगाई है, जो जिसमें से मैंने शर्ट बनाया है उस वाले फैब्रिक की मैंने लगाई है। तो थोड़ा मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। इसके साथ ही मैंने प्लाजो बनाया है, प्लाजो का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जी फ्रेंड्स इसके साथ मैं शर्ट भी बनाने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये फुल ड्रेस में आपको दिखाऊंगी। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।